मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन के निर्देश पर दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को जनपद पंचायत कसरावद में सिकल सेल और दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 507 दिव्यांग जनों का पंजीयन किया गया, जिसमें 230 नवीन प्रमाण पत्र 59 UDID कार्ड बनाए गए। शिविर में मेडिकल बोर्ड के अस्थि बाधित, मानसिक रोग, नेत्र रोग, नाक कान गला रोग, शल्य रोग, शिशु रोग, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर रीमा अंसारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष जनपद पंचायत कसरावद प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत कसरावद प्रतिनिधि, खंड पंचायत अधिकारी एवं समग्र सुरक्षा अधिकारी और अन्य कर्मचारी शिविर में उपस्थित रहे। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। आज ये शिविर लगा है, इसमें कितने मरीज अभी तक देखे जा चुके हैं और क्या-क्या सुविधा दी जा रही है? इसमें तकरीबन अभी हमारे पास में 300 से 400 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, और ये जो अपने सिकल सेल श्रेणी और अन्य विशेष जो दिव्यांगजन होते हैं उनके प्रमाण पत्र के लिए हमने शिविर आयोजित किया है, और साथ ही साथ हम इनके UDID कार्ड, जिनके कार्ड्स नहीं वो भी बनवा रहे हैं। नहीं, ये स्पेशली हमने प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर लगाया है। जैसे क्या होता है कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति का सर्टिफिकेट नहीं है, तो नया सर्टिफिकेट जो एक्सपायर हो गए, 5 साल से पुराने हो गए, उनका सर्टिफिकेट, सिकल सेल वालों का सर्टिफिकेट, UDID कार्ड, तो ये स्पेशली उनके कार्ड्स बनाने के लिए हमने शिविर का आयोजन करा है। शासन से जैसे ही हमें दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, हम एक स्पेशल विकलांग शिविर लगा करके सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे। जिस निकाय में वो आता है, जैसे कुछ नगर पंचायत के भी इसमें लोग हैं और कुछ ग्राम पंचायतों के भी हैं, तो इनका पूरा पेपर फॉर्मेलिटी करके हम इनके सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करवा देंगे। सर, आज ये शिविर लगा है, इसमें जैसे विकलांगों को जिसकी पेंशन मिल रही है उनको साइकिल दी जा रही है, और किसी को कुछ सामान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सर, आज यहाँ जनपद पंचायत कसरावद में जो शिविर का आयोजन किया गया है, तो इसमें जितने भी दिव्यांग बंधु हैं उनके लिए UDID कार्ड का फिर से जनरेशन किया जा रहा है, और जिनके पुराने प्रमाण पत्र 5 या 6 वर्ष से अधिक पुराने सर्टिफिकेट्स हैं तो उनका नवीनीकरण भी किया जा रहा है, और साथ ही सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से जो हितग्राही हैं उनको हम लोगों के जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा किसी जो आवश्यकता अनुसार ट्राइसिकल, बैसाखी, कैलिपर्स या इस चीज़ के लिए रिकमेंडेशन भी की जा रही है। इसमें लगभग कितने आ चुके हैं? पंजीयन कितने? करीब करीब 300 मरीज तो मेरे द्वारा, 300 हितग्राही तो आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के द्वारा देखे गए हैं, और भी यहाँ पे सिकल सेल के भी हितग्राही हैं, नेत्र रोग के भी हैं, और ENT वाले डॉक्टर साहब भी हैं, मेडिसिन वाले डॉक्टर साहब भी हैं, बच्चों वाले डॉक्टर साहब भी हैं, तो टोटल कितने हुए ये अंदाजित 500-100 लोग तो हो गए होंगे। फिर भी डॉक्टर चेतन पठोते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।